वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू वीडियो। मैं यहाँ पे एक फेस वॉश और एक फेस स्क्रब का रिव्यू शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी मुझे ये प्रोडक्ट यूज करके कैसा फील हुआ है। मैंने इस प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तो नहीं यूज किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने मैक्सिमम 3 to 4 days ही इसको यूज किया है, उसी के बाद मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है। मैं यहाँ पे पिलग्रिम का फेस वॉश और फेस स्क्रब का रिव्यू शेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे इसका फेस वॉश का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे इसका फेस वॉश यूज करके कैसा लगा है। पिलग्रिम एक कोरियन कंपनी है बट यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है और आप सभी लोगों को पता है कि कोरिया का स्किन केयर प्रोडक्ट कितना अच्छा होता है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को फेसबुक में कुछ एड्स देख रही थी, वहां पे देखा था फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार परचेज किया जाए और देखा जाए ये फेस वॉश और ये फेस स्क्रब कैसा है। मैं इसको खरीद के रिव्यू करूंगी तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि इसका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा है, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग खरीद भी सकते हो, अगर ना पसंद आया तो मत खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो एडवांटेजेस है इसमें और वो स्क्रब में मैं बताऊंगी, और जो जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। पूरी तरीके से एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर देखिए। और हाँ, उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं फिर से जब नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास ही आए। तो पिलग्रिम एक कोरियन कंपनी है, मैंने जैसे बताया पहले, ये एक वॉल्केनिक लावा एश फेस वॉश है। वॉल्केनिक लावा मतलब लावा से लिया गया कुछ डस्ट पार्टिकल से ये बनाया गया है, और इसमें व्हाइट लोटस और यूडुगू बोल के कुछ फ्रूट्स टाइप का एक होता है, मैं कैसे बताऊं, लाइक आलमंड्स टाइप का देखने में लगा मुझे, तो उससे बनाया गया है ये। और ये एक्चुअली ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यूडुगू है या कुछ और है, पर मुझे जितना लगा ये यूडुगू है। बट द थिंग इज, ये प्रोडक्ट में सबसे अच्छी बात कौन सी है, ये पिलग्रिम का जो प्री प्रोडक्ट है ये 100% वेगन है। सेकेंड है ये क्रुएल्टी फ्री है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं शायद वो हम लोगों के लिए अच्छा हो पर वो एनिमल के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो हम नहीं चाहते कि जो हम लोग यूज करें वो पहले उन लोगों को दिया जाए जो कि उन लोगों के लिए सही ना हो। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि ये क्रुएल्टी फ्री है। इसको फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर टेस्ट किया गया है एंड इसमें नो पैराबेन नो सल्फेट है। आप लोगों को पता ही होगा पैराबेन और सल्फेट स्किन के लिए कितना हार्मफुल होता है, तो इसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इसमें नो टॉक्सिक 20 केमिकल्स है, वो 20 प्रोडक्ट स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है उसको इसमें नहीं दिया गया है। बहुत सारा कंपनी है जो लोग वो 20 प्रोडक्ट को यूज करते हैं बट पिलग्रिम ने इसको यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है ये FDA अप्रूव्ड है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं वी से यस टू लव एंड क्राफ्ट authenticity, nature secret and wanderlust. और ये लोग बोल रहे हैं we say to no sulfate, parabens, mineral oils and the toxic 20s, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलिए देखती हूँ ये क्या क्या क्लेम करते हैं। ये क्लेम करता है ये पोर्स को डीप क्लीन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पॉल्यूशन डर्ट और डस्ट से, एंड एक्ने को भी ये प्रिवेंट करता है, इस लोगों ने क्लेम किया है। यहाँ पे मैं बताऊंगी वॉल्केनिक लावा, यूडुगू और व्हाइट लोटस क्या काम करते हैं हमारे स्किन के लिए। वॉल्केनिक लावा क्या करता है, वॉल्केनिक लावा एश डॉट मैग्नेट की तरह हमारे स्किन में काम करता है और जो भी गंदगियां है उसको बाहर निकालते हैं। ये पेनिट्रेट करता है डीप एंड अनलॉक पोर्स को। यूडुगू क्या करता है, ये ड्राई कर देता है एक्टिव एक्ने जो भी है उसको, रिड्यूस करता है ब्रेकआउट्स को। नेक्स्ट व्हाइट लोटस क्या करता है, व्हाइट लोटस प्यूरिफाई करता है हमारे स्किन को एंड इसको फ्रेश एंड वाइब्रेंट बनाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स है एक्वा सोडियम, बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको जो भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे यूज करें, इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी दे देंगे फेस में, उसके लिटिल बिट अमाउंट हम लोग अपने पाम पे लेंगे एंड इसको 30 to 40 seconds तक मसाज करेंगे अच्छे से। हाँ, ये ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादा फोम नहीं क्रिएट होगा, इसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है इस वजह से,
तो ये जो भी डर्ट है उसको निकाल देगा एंड उसके बाद हम लोग इसको फेस को वॉश करेंगे। इसका प्राइस है 350 रुपीज 100 ml का एंड मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है एग्जैक्टली। तो गाइस आप लोग देखिए ये ऐसे बॉटल में आता है, ये प्लास्टिक बॉटल है और मुझे ये जो पैकेजिंग है ना बहुत अच्छा लगा। ये कैरी भी कर सकते हो, इतना हैवी नहीं है, आप इजीली कैरी करके कहीं भी जा सकते हो। और इसका स्मेल जो है बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है तो आपका इजीली 1.5 मंथ चल जाएगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन या 4 दिन शायद यूज किया होगा और ये इतना सा क्वांटिटी सिर्फ खत्म हुआ। मैं इसका कलर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये टेक्सचर कैसा है। ये एक्चुअली पूरा ब्लैक में आता है, ये देखिए आप लोग, होप आप लोग देख पा रहे हो इसका एग्जैक्ट कलर। और सबसे अच्छी बात है ये फेस वॉश का, ये सभी स्किन टोन पे सूट करता है। मैं अभी बताती हूँ मुझे ये कैसा लगा यूज करके। मैंने इसको यूज किया है 2-3 दिन और मैं जब भी इसको यूज करती हूँ ना ये मेरे फेस को बहुत सुंदर सा ड्राई करता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का ड्राई है उन लोग यूज नहीं कर सकते, पर मेरा तो नॉर्मल स्किन टोन है और मुझे बहुत सूट कर रहा है ये प्रोडक्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं इस प्रोडक्ट को एक थम्स अप दूंगी। और मैं अभी आती हूँ फेस स्क्रब में कि इन लोगों का फेस स्क्रब जो है वो कैसा है। फेस स्क्रब है ये भी सेम इंग्रेडिएंट से बनाया गया है और इसमें सेम चीजें हैं, तो मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगी कि क्या दिया गया है क्या नहीं। मैं इसका प्राइस और इसको कैसे यूज करना है वो आप लोगों को बताती हूँ। इसका जो प्राइस है ये 100 ग्राम का है 400 रुपीज। 100 ml का 360 है, ये आपको शायद ऑफर्स वगैरह का चल रहा होगा तो ये 340-330 में मिल जाएगा। और ये भी ऐसा ही कुछ है, अगर डिस्काउंट चल रहा है उन लोगों के साइड में तो मिल जाएगा। मैं बोल सकती हूँ ये इतना कम क्वांटिटी में लगता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रेट डील है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको खरीदते हो, क्योंकि ये बहुत दिनों तक लास्ट करेगा कि आप लोगों को बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसा फेस वॉश करने के बाद इसको आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है फॉर 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है। जन ऐसे होते हैं बहुत देर तक स्क्रब करते हैं पर उससे आपके स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस फील होगा, क्योंकि उतना ज्यादा स्क्रब करना स्किन के लिए ठीक नहीं है। बेस्ट रिजल्ट चाहिए ये आप लोग वीक में 2 दिन यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा डे जैसे कि मैंने बताया 1 मिनट से ज्यादा नहीं, वैसे ही 2 दिन से ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्रब ज्यादा करना भी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब ज्यादा करोगे तो स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत लोगों को, ऐसा नहीं है सबको ही आता है पर बहुत लोगों को आता है कि पिंपल्स वगैरह ज्यादा दिखाई दे रहा है उसके यूज करने के बाद। और यहाँ पे ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, इस स्क्रब को यूज करने से आपको क्या होगा, ये रिमूव टैन, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इतना गर्मी है बाहर, अगर आप लोग बाहर जाते हो बहुत ज्यादा टैन आ जाता है स्किन पे, तो ये उसको रिमूव करता है एंड ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है। तो फ्रेंकली मैं बोल सकती हूँ मेरे तो ब्लैक हेड्स का उतना इशू नहीं है, पर हाँ टैन का इशू था। मैंने इसको यूज किया और मैंने ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में आप रिजल्ट दिखोगे, पर हाँ मैंने थोड़ा सो नोटिस किया है मेरे नेक वगैरह के एरिया में जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे टैन दिखाई दे रहा था, इसको यूज करने के बाद वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। आप इसको 1-2 हफ्ते यूज करने के बाद ही इसका अच्छा रिजल्ट बता सकते हो कि ये एक्चुअली में टैन रिमूव किया है या नहीं किया है। एंड तीसरा चीज है ये पिगमेंटेशन को भी रोकता है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत लोगों को पिगमेंटेशन का इश्यू होता है तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। भी लोग होते हैं जिन लोगों को स्क्रब यूज करने से पिगमेंटेशन का इश्यू ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पैकेजिंग कैसा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक डब्बा में ही आता है जो कि बहुत अच्छा है, ये फ्लिम्सी नहीं है जैसा वो भी एकदम फ्लिम्सी नहीं था, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग इजिली कैरी कर सकते हो। और उसके साथ एक सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का स्पैचुला नहीं है, यहाँ पे एक छोटू सा वुडन स्पैचुला है, आप लोग देख सकते हो इतना क्यूट है ना, मुझे इसमें सबसे अच्छा चीज यही लगा। इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे और एक कैप आता है, उसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये बहुत मतलब जेली जेली टाइप का है, देखिए आप लोग
ऐसा नहीं है बहुत थिक है, पर ये जेली टाइप का है। इसको आप लोग स्पैचुला की मदद से यूज कर सकते हैं। बताती हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक बिट्स का यूज नहीं किया है। प्लास्टिक बिट्स हमारे ओशंस को खराब करते हैं, तो यहाँ पे जो भी बिट्स है ना उसको यूज करोगे तो आपको स्किन में बहुत ज्यादा मतलब दर्द नहीं होता है ना। मतलब कभी कभार होता है कि आप स्क्रब यूज करते हो ना फेस में जलने लगता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। पर द थिंग इज मुझे उसका स्मेल बहुत अच्छा लगा। इसका स्मेल पता नहीं क्यों मुझे इशू हो रहा है या नहीं, इसका स्मेल मुझे ज्यादा थोड़ा मतलब ओवर पावरिंग लग रहा है कि मुझे ना ज्यादा ओवर पावरिंग स्मेल पसंद नहीं है। मेरा सर में दर्द होने लगता है। अगर आप लोगों को इसका स्मेल अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो। हाँ, उसी की तरह है पर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। पता नहीं ये मतलब मेरा ये कुछ प्रॉब्लम है या इसमें मुझे ओरिजिनली इसमें ज्यादा स्मेल का यूज किया गया है तो मुझे इसमें स्मेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बाकी जो प्रोडक्ट है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको इजीली खरीद सकते हो। मैंने इसका जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग वहां से जाके उस लिंक पे क्लिक करके, वहां पे ऑफर्स वगैरह चल रहा है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। ऐसे ऑफर्स वगैरह चलता ही रहता है तो आई थिंक आप लोगों को इसको थोड़ा कम में भी मिल सकता है। देखना पड़ेगा, अगर ऑफर्स नहीं चल रहा है तो मैं कुछ नहीं बता सकती, पर वहां पे डिस्काउंट्स वगैरह चलता है। सो गाइस, यही था आज का रिव्यू। अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगे तो ये वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।